बसमर अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज हम आपको लीव बनाना सिखाएंगे ये छोटी ये उससे बड़ी लीव ये उससे बड़े छोटे पत्ते के लिए आपने धागा थोड़ा छो थ काम खींच के रखना है थोड़ी बड़ी के लिए यहाँ से कम करते करते थोड़ा आगे लूज़ करते जाना है धागा खींचते जाना है ये देख सकते हैं इसकी बैक साइड भी कितनी प्यारी बनी है फ्रंट भी ये देख सकते हैं आप ये ज़्यादा बड़ी पत्ती बनाई है अब हाँ हम आपको सिखाते हैं कि ये पत्ती कैसे बनाई जाती है इसके लिए हमने ग्रीन धागा ले लिया है सबसे पहले हम इसको लॉक कर देंगे लॉक करने के बाद दस स्टिच ले लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन के बाद हमने हर स्टिच में से धागा निकालते जाना है ये देखिए ये धागा थोड़ा सा लूज़ किया इसको उससे ज़्यादा थोड़ा किया ये उसी के बराबर लाते जाएंगे तो धागा ख़ुद ब ख़ुद अपने लेवल के मुताबिक होता जाएगा ये देखें पूरे दस स्टिच में से हमने धागा लूज़ करके ले लेना है ये होके दस अब हम फर्स्ट जब स्टिच लेंगे तो हमने ऐसे गुजारना है ये देखें नेक्स्ट दो दो में से करके हमने स्टिच को निकालते जाना है तो ये खुद ही पत्ती की शक्ल इख्तियार करते जाएगा देखें हमारी एक साइड की पत्ती तैयार हो चुकी है अब हम दूसरी साइड का बनाते हैं दूसरी साइड का भी सेम यही प्रोसीजर है ऐसे ही हमने धागा लेते जाना है धागा जैसे जैसे नीचे हम आते जाएंगे लेने के लिए धागा उस हिसाब से लूज करते जाना है ये लास्ट स्टिच है ये हमारा कंप्लीट हो गया अब हमने स्टिच लेते हुए दो दो में से गुजारते जाना है बहुत ही सिंपल और बहुत इजी है नेक्स्ट वीडियो में हम गुलाब का फूल बनाना आपको बताएंगे और उसके साथ इन पत्तियों को अटैच करना बताएंगे ये देखें ये लास्ट वाले दो स्टिच रह गए इनको हमने एक साथ स्टिच कर लिया ये देखें हमारा लिए तैयार है और ये देखें इसकी मेड वाली लाइन जो है कितनी खूबसूरत लग रही है ये हमने धागा काट के अंदर की तरफ मोड़ लिया अब ये देखिए हमारी पत्ती तैयार है ऐसे ही आप बना के ट्राई कीजिएगा बहुत खूबसूरत पत्तियाँ बनेंगी तो व्यूबर्स उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो मिलती रहें अपना ख्याल रखें दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफिज़